मेरा नाम सर सतीश कुमार है, विलेज इटवास का रहने वाला हूँ, पंचायत डी जोधपुर में। आप देखें सर यहाँ पर कितने लोग जमा हुए हैं, आप देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने हमारे बादल लाए हुए हैं, लेकिन आप इधर देखें पानी की बिल्कुल बूंद मिलने आ रही है। हमें सबसे बड़ी पानी की समस्या इधर है, पानी हमें टाइमली मिलता है, एक दो घंटा मिलता है, जिससे कि हमें एक दो बाकेट पानी मिलता है, तो पानी की बहुत ही किल्लत हो रही है हमें। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं डीसी डोडा साहब से कि हमें इस बारे में कुछ रिलीफ मिले। बाकी देखिए आप ही कल इधर एक हादसा हुआ नीचे, जहाँ के हमारा घास जल गया, पूरे सीजन का घास जितना भी था वो जल गया। तो अगर हमारे गांव में ये समस्या नहीं होती, पानी हमें अवेलेबल होता तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन सर इधर पानी पीने के लिए भी नहीं है, पानी पीने के लिए भी नहीं, तो हम आगे क्या कर सकते हैं। तो इसलिए हमें हमारी रिक्वेस्ट है डीसी डोडा से कि इस बारे में कुछ हमारे बारे में सोचें। मेरा नाम रविता जी, आप मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। हमें पानी की बहुत प्रॉब्लम है जी। और हमें पानी दो घंटे आता है और हमें बहुत सारा पानी भरना होता है, और मैं हम ही नहीं पूरा गांव और बर्तन, दो दो बर्तन हमें पानी हिस्से में आता है, और हम उसी पानी से पीना भी है, बर्तन भी साफ करने हैं, कपड़े भी धोने हैं, और बहुत सारा काम करना पड़ता है। और अगर हम सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 12 बजाते 1 बजाते हम तब तक पानी भरते हैं, अगर हम पानी भरें बाकी काम कौन करेगा, और बाकी काम करने के लिए हमें समय ही नहीं होता है, क्योंकि हमें पानी की ज़रूरत है। हमें दो बाल्टी पानी हम नहाएं कहाँ, और वॉशरूम कैसे यूज़ करें। स्वच्छ भारत का वैसे आंदोलन, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि स्वच्छ भारत और स्वच्छ अभियान, और हम कैसे वॉशरूम यूज़ करें, हमारे पास पानी नहीं है। अगर पानी होगा तो हम वॉशरूम भी यूज़ करेंगे, हम नहाएंगे भी, बहुत कुछ होता है पानी के साथ। और वैसे कोरोना जैसी महामारी चल रही है, और हमें डॉक्टर हमारे सलाह दे रहे हैं कि दिन में 2 बार नहाएं, हम हफ्ते में 1 बार नहीं नहा सकते, दिन में 2 बार कैसे नहाएं, क्योंकि हमारे पास पानी है, और ऊपर से अगर हमें कंटिन्यू 20 सेकंड के बाद हाथ धोने पड़े तो हमें उसके लिए भी पानी नहीं है। और हम बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मैं कि हमें पानी मिले, और जल्द से जल्द पानी मिले, और डीसी साहब से एलजी साहब से भी यही रिक्वेस्ट है मेरी कि हमें पानी बहुत जल्द मिले। पीएचई के पास, पीएचई डिपार्टमेंट के पास गई, तो वो कहने लगे ये प्रोजेक्ट जो पहला जोधपुर के पास प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी है, ऑलरेडी आपका प्रोजेक्ट बना है, आपको पानी के बात हुआ है, तो लोगों ने, जोधपुर के लोगों ने, सरपंच जो सरपंच हमारे थे या मेम्बरान थे यहाँ के, उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो पानी की कमी है क्योंकि खास करके इटवास गांव की कमी है, तो उन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट बनाया। दूसरे प्रोजेक्ट में थ्रू इटवास के लिए पानी की स्कीम रखी, तो जो पहला का प्रोजेक्ट था वो उन्होंने वॉश कर दिया, उसकी स्कीम वॉश कर दी, और जो दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है वो पूरे 9 मोड़ में चल रहा है, मतलब पूरे जोधपुर के 9 मोड़ में चल रहा है, और इटवास के लिए उस जितना टाइम, मतलब 9 मोड़ का टाइम टेबल बनता है, उस टाइम टेबल के लिहाज से 1 घंटा में पानी छोड़ते हैं इधर के लिए, जिस 1 घंटे में हमारे, मतलब 2 वार्ड हमारे यहाँ के हैं। कितने समय से प्रॉब्लम आ रही है आपके एरिया में? हमें 4 साल से मतलब ये प्रॉब्लम आ रही है, 4 साल से पहले आ रही थी, तो 2 साल से ये पानी चल रहा है जी। 2 साल से ये स्कीम इटवास की चल रही है, अब यही पानी 4 मोड़ में जा रहा है, जो जहाँ पर हमारे 2 वार्ड है, यहाँ पर 60 घर है, और 60 घरों को 1 घंटे के लिए पानी आता है, और दो बाल्ट हमें पानी मिलता है, दो बाल्ट से ज्यादा पानी हमें नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा चश्मा इस वक्त खत्म हो गया है, जो चश्मा का पानी था वो खत्म हो गया है।